आगे बढ़ी। जब तय तमन्ना हो गया उसके बाद चीज़ें लेन देन भी हुई, फ्लैट की बुकिंग भी हुई, जिसका डिटेल मैंने सबको दिखाया भी है, उसी बात को मैं बार बार क्या बोलूँ। उसके बाद जब बहुत रिक्वेस्ट किया, लड़के क्या करते थे, जब मैंने जब शादी की बात टूटी, जो भी माहौल था या जिस भी वजहों से, जब बातें खुलेंगी तो मैं सब चीज़ सामने लेकर आऊँगी। उसके बाद जब हमारा परिवार बिल्कुल कट के रह गया, हमारे पिताजी इस चीज़ के लिए भी तैयार थे कि बेटा जो पैसा गया सो गया, जाने दीजिए, हम ये सोचेंगे गंगा जी में बह गया। उसके बाद 12 बजे को तेरा हमेशा मेरे को टॉर्चर करना, कभी रात में फ़ोन करना, मैं स्विच ऑफ करती थी, मेरे स्कूल पहुंच जाना, मेरे स्टॉपेज पर पहुंचना, और मुझे बहुत इनसिक्योर। मैडम आपके साथ घटना क्या क्या हुई है ये? जी, उसके बाद मैंने इनके बड़े भाई साहब जो अभी मीडिएटर बन के आए हैं उनको बोला कि ऐसे ऐसे भाई आपके 14 अक्टूबर 2018। उसके बाद से ये लड़की गिरगिराते रह गई, सब चीज़ बोलते रह गई कि अपनी छोटी बहन समझ के समाधान निकलवा दीजिए, अपनी बेटी, आपकी भी बेटी है, समाधान निकलवा। जब ये लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ और मुझे धमकी पे धमकी मिलता चला गया, तब 27 जनवरी 2019 को मैंने महिला आयोग में एक केस कंप्लेन किया। पहला डेट मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद एक महीने बाद कंप्लेन किया था मैडम। कंप्लेन है यौन शोषण, मानसिक और आर्थिक शोषण, तीनों चीज़ का। जी, कौन है ये आदमी? जी, विश्वजीत कुमार हुए, हाथीखाना मोड़ दानापुर में रहते हैं। इनके पिता का नाम विजय सिंह यादव जी हुआ। कौन है ये? इनके हिसाब से तो ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। 2015 में राजद से एमपी रह चुके हैं, एक्स एमपी राज्यसभा रह चुके हैं राजद से, अभी बीजेपी के मेंबर हैं। इस शिकायत को लेकर आप कहाँ कहाँ गई मैडम? जी, जब महिला आयोग को मेरा पहला डेट मिला तो उस बीच में 13 फरवरी को मेरे साथ धमकी वगैरह हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मैंने कंप्लेन किया, 25 तारीख को मेरे पिताजी पे भी हाथापाई हुआ, तो इसके लिए पिटीशन डाला हुआ है कोर्ट में। उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई, 22 मई को एक ऐसा घटना महिला आयोग में मेरे साथ हुआ जिसके बाद मुझे आगे प्रोसीड करना पड़ गया। 22 मई को जब ये लोग आए, मैं अकेले थी, जैसा यहाँ पे हुआ, ऐसे चेहरे भी आए जो कि जिनको मैं जानती नहीं थी, मुझे बाहर से, अंदर बैठी हुई थी दिलमणि मैम के केबिन में, और बाहर से गेट बोला गया फिल्म को कि बंद कर दीजिए। पैनल में विनीता मैम थी, निकी मैम थी, और दिलमणि मैम खुद प्रेजेंट थी, और तब तक नहीं किसी को आने दीजिए जब तक ये सुनवाई नहीं हो जाती। और अंदर में मुझे बोला गया केस विड्रॉ कर लो। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? लगातार थाना बुलाया जा रहा है, कहाँ है ये बताइए। जी, उसके बाद जब मैंने राष्ट्रपति जी को ये लिखा तो राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रशासनिक जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको ये लेटर फॉरवर्ड किया, उसी के थ्रू फॉरवर्ड होकर यहाँ पे लेटर आया है। जी, गरिमा मैम के पास आया था, श्रीमती गरिमा जी, हमारी गरिमा मैम जी जो हमारी SSP हुई, वहाँ से आया, वहाँ से फॉरवर्ड होकर अभी हमारे थाना में आया है। कौन थाना में? महिला थाना गर्दनी बाग में ये लेटर आया है कि इस मैटर को शटल डाउन करवाइए, शॉर्ट आउट करवाइए। ऑल्दो यहाँ के SHO ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ पे, उनसे जितना हो पाता था। अभी दो लोग आए, कल भी आए थे उनके बड़े भाई, तभी जो यहाँ के SHO मैम है उन्होंने यही बोला कि हम बस जिस बंदे के ऊपर कंप्लेन है उसी से बात करेंगे। आज के लिए उन्होंने वादा किया था कि वो लड़के को लेकर आएंगे, लेकिन फिर सुबह दो अनजान व्यक्तियों के साथ उनके बड़े भाई आ गए और लड़का नहीं आया। SHO मैम ने उसी समय बोला कि हम किसी को नहीं जानते हैं, कौन वकील है, कौन हाईकोर्ट का है, कौन सुप्रीम कोर्ट का है, हमको लड़का से मतलब है। आप बड़े भाई होने के नाते लड़के के साथ आ सकते हैं, लेकिन लड़की की उपस्थिति बहुत। अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे मैं इस चीज़ को लीगली एक्सप्लोर करके देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुलेआम धमकी दिया गया कि 22 तारीख की शादी के बाद क्या किया जाएगा। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है, मेरी शादी कहीं नहीं की जाएगी। क्योंकि देखिए, अनमैरिड लड़के लड़कियों का एक ही चीज़ होता है समाज में डर, जो कि शादी का होता है। क्या आपको अपनी जान की खतरा है उससे? जी, कल भी मैं 4 गाड़ियां बदल के आई हूँ, आज भी मुझे सुबह 7 बजे बोला गया था यहाँ आने के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया, SHO मैम ने मेरी बात सुनी, आरती मैम ने, कि 7 बजे जब पब्लिक नहीं रहेगा तब आने, मैं कैसे लाइव कर रिस्क ले सकती हूँ। कई महीनों से चक्कर लगा रही है अधिकारियों का या थानों का, आपको न्याय पे कितना भरोसा है? न्याय मिला अभी तक आपको? अभी तक तो मैं एकदम इनजस्टिस के, मतलब जो कहते हैं जस्टिस पे से विश्वास मेरा उठ गया है। महिला आयोग में जो भी बातें होती लिख की जाती है, महिला आयोग में मुझे बोला जाता है कि तुम जैसी लड़कियां धंधे वाली होती हैं, तुम जैसी लड़कियां पैसे के लिए उठती हैं। अब FIR आप करके भाई साहब ही बोल रहे हैं, अभी जो उनके भाई साहब बिंदु कुमार जी आए थे, कल भी उन्होंने खुलेआम बोला ठीक है FIR कीजिए, और अभी बोलते बोलते मुझे क्या FIR कीजिए, तुमको तो कोर्ट में सल्ट आएंगे, एरी चोटी का बल लगवा देंगे, और मीडिया तो तुमको उठा के कहाँ फेंकेगी, वीडियो तक नहीं रिलीज होने देंगे। विश्वजीत पे क्या क्या आपने आरोप लगाया है? विश्वजीत पे यौन शोषण का, मानसिक शोषण का और आर्थिक शोषण का, और अब तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है, क्योंकि जगदेव पथ में वो कंप्लेन दानापुर थाना में हम लोगों ने दिया था, मैंने दिखाया भी है यहाँ पे। मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, जो जगदेव पथ गोलंबर है वहाँ पे दुपट्टा वगैरह मेरा छीना गया था, मुझे गिराया गया था, मुझे चोटें भी आई थी,